हथियारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और काल मेरो भी बांध बैठे वो काल मैं भी फार्म भर रहे हूं नोलगढ़ में, दोबारा हाजिरी लगाने खातर आए हूं लक्ष्मणगढ़ का माए। और दोबारा क्यों आए हो कि यहां डोटासरा जी को बांध बैठ रहे हैं। आज लक्ष्मणगढ़ के गोविंदा को बांध बैठ रहे हैं और एक नारो गूंजन उचाए, अब की चौथी बार हैट्रिक लगा दी, अब की बार जीत का चौका लगा देना। नवलगढ़ की हवा लक्ष्मणगढ़ की तरफ बहेगी, लक्ष्मणगढ़ की हवा नवलगढ़ की तरफ बहेगी। और बठे भी हैट्रिक लाग चुकी है, अब की बार बठे भी चौको लगाऊंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं, भ्रमित मत होना, न तो आज सटोरिया की वजह से भ्रमित हो, ए लट्टे पट्टे मामलों चल रहे हैं पूरा राजस्थान में। और मैं दावा के साथ कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार फिर से जनता जनार्दन बना रही है पूरे राजस्थान में। कांग्रेस के पक्ष में 36 कौम का लोग खड़े हो गए हैं, और होऊंगा भी क्यों को नहीं। आज कोई कहे कि डॉक्टर राजकुमार और गोविंद डोटासरा हरिंगा, अरे काम कौन कराओगे बच्चे, काम कौन कराओगे। लोग कह देंगे वो गोविंद और राजकुमार गुणु काम करायो, बालिया राधिया तो यहाँ को काम मत कर दीजिए गलती से भी। और मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मणगढ़ की जीत पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जाति धर्म से उठकर विकास के नाम पर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहा है, राजनीति बनाम विकास नीति, तो विकास नीति को वोट देना। आज से लग जाओ, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन दिन रात मेहनत करके गोविंद जी डोटासरा पर एहसान कर देना। आपका भाई बेटा डॉक्टर राजकुमार आपको भरोसा दिला रहे है कि डोटासरा जी ब्याज सहित थारो कर्जो चुका देंगे वापस, विकास का काम करके थारी सेवा करके। और थाने सबने विश्वास है कि राजस्थान सरकार का मैं सबसे ज्यादा अगर पीसो अब की बार लागे है तो लक्ष्मणगढ़ में लागे है, और लक्ष्मण के बाद में नोलगढ़ में लगे हैं। आप लोग हिम्मत देना हम लोगों को, और आज मेरी हाजिरी मान लेना। जो मैंने लक्ष्मणगढ़ में प्यार करे, जिका के काम आए हूं, चाहे चिकित्सा मंत्री रहते हुए, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय को छात्र संघ को अध्यक्ष रहते हुए, आपको कसम है मेरी, जो भी मुझे चाहता है मुझसे प्यार करता है, आज से दिन रात लग जाना गोविंद जी भाई साहब के लिए। और 25 तारीख को जब तक वे पेटी ने पैक नहीं कर दो ढंग से बोटा सू खूंद खूंद के, जब तक ग्रामत बैठ जाए जो आई बात कहते हुए। अभी मैं 2 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा हूं, 2 किलोमीटर से पैदल थारे लिए पैदल चल के आ रहा हूं। और खुशी इस बात की है कि 2 किलोमीटर पे जाम लगा हुआ है, जनता सड़कों पर जितनी यहां है बती जनता सड़क पर खड़ी है। तो मैं एक बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो संभा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 36 कौम का आशीर्वाद, जिसपे इतनी संख्या में माता बहनों का आशीर्वाद, जिसपे इतनी संख्या में बुजुर्गों का आशीर्वाद, और युवा साथियों का तो कहना ही क्या। युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाने के साथ ये युवा लेके जाएंगे गोविंद जी भाई साहब, और काल मेरो भी बांध बैठे वो काल मैं भी फार्म भर रहे हूं नोलगढ़ में।